ज्ञान के शरण में जाएंगे और ज्ञान कैसे मिलेगा जब हम स्कूल में जाएंगे स्कूल में पढ़ेंगे तभी हमको ज्ञान मिलेगा। तो बुद्धन संचार हम ज्ञान के शरण में जाएंगे और धम्म शरण प्रचार हम धम्म के शरण में जाएंगे अच्छी व्यवस्था के शरण में जाएंगे अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। हम संघ की शरण में जाएंगे और संघ कैसा होना चाहिए संघ जो सारी बुराइयों को त्याग दिया हो ऐसे संघ में जाएंगे। तो हमें संघ हमारा कैसा हो जुआरियों का संघ नहीं होना चाहिए दारू भांग पीने सिगरेट पीने वालों का संघ नहीं होना चाहिए अच्छे इंसान बनने के संग में होना चाहिए। ये भगवान बुद्ध के एक ईश्वर पर चिन्ह है। फिर हमने कहा काला पाता पेर मरी सिखा पदम समारिया बड़ा पता बेरने से कमल दर्द हम अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जो किसी का अनर्गल हिंसा हो मन कर्म और वचन से हम हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा चीज है अदिन्न दाना देर मरी सीखा पदन समानिया हम चोरी नहीं करेंगे हम किसी का बगैर पूछे सामान नहीं लेते। स्कूल में पढ़ते हो ना तो स्कूल में किसी की कलम नहीं करना चाहिए अदिन्न दाना देर मरी बगैर मांगे किसी का सामना नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कहा कामेश मिथ्या चारा पेर मणि और सिखा पदन समान्य मतलब हमको व्यभिचार की तरफ नहीं जाना चाहिए हमको सभी बहु बेटियों को समाज सम्मान देना चाहिए और किसी के प्रति गलत अंदाज नहीं जाना चाहिए। तो ये भगवान बुद्ध ने ये वाणी दिया। तीसरी चौथा है मूसावादा बेर मरी सिख पदन समानिया हम झूठ नहीं बोलेंगे। आजकल क्या है मोबाइल पे लोग झूठ बोल रहे हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए हमेशा अपने माँ बाप से सत्य बोलना चाहिए अपने गुर्जनों से सत्य बोलना चाहिए और गुर्जनों का आदर करना चाहिए माँ बाप का आदर करना चाहिए जो बच्चों करना चाहिए ना हाँ करना चाहिए। तो फिर है पूरा कच्ची पक्की शराब नशीली चीजों का हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि सुरा दुराचार की जननी है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम शेर के सामने जाते समय मत घबराना अग्नि की ज्वाला तरफ जाते समय मत घबराना और पहाड़ से गिरते वक्त मत घबराना लेकिन पांचवा चीज जो सूरा में है दारू भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू नशीली चीजों से हमेशा दूर रहना ये भगवान की पांच बातें हैं। अब चूंकि तुम लोग सब लोगों को भोजन परिचित करा दिया है और हम तेरा के जीवन पर थोड़ा प्रकाश ला रहे हैं क्योंकि बोलने वालों को क्या कह रहा था कहा हुआ था बनारस में जन्म हुआ था और वही उनके पिता रघु और उनकी माता कर्मा उनका नाम था। तो सामने ये इन्होंने पूरे समाज को अच्छी बात बताई अच्छे आचरण बताया और अंधविश्वासी जो समाचार उससे दूर करने के लिए उन्होंने संघ किया
और समाज को बदलने के लिए बड़ा प्रयास किया। तो मैं इतना करने के बाद मैं विराम देता हूँ और आगे